बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, खुशबाश होंगे जी। तो आइए, अब चिकन पुलाव बने कैसे हैं उनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और उसकी रेसिपी और उसकी मेकिंग देख लेते हैं। चलिए, जी तो चिकन पुलाव बनाने के लिए यखनी हमारी अब तैयार है, जिसके इंग्रेडिएंट्स हमने पहले डाल लिए थे। और दूसरी तरफ हमने लिया दो प्याज। राइस बनाने के लिए रखे हुए हैं, और पुलाव बन जाए 1 किलो राइस और 1 ही मुर्गी का। मसालों में हम डालेंगे नमक हसबे ज़रूरत, 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स का, हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबल चिली फ्लेक्स और रेड चिली का। और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरे का भी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और ऐसे ही हम सारा चिकन इसमें ऐड कर लेंगे यखनी में से। साथ ही इसमें ऐड कर लें ग्रीन चिलीज। इसमें ऐड कर दें हैं साथ साथ लेमन। एक किलो राइस में एटलीस्ट 5 ग्लास यखनी के डालेंगे। और आप लोग नमक अपना चेक कर लें जो कि हसबे साई का होता है। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे राइस, ये हमने ऐड कर दिया राइस। अब इसका पानी खुशक होने तक इसे पका लें और इसमें चावल भी गल जाएंगे। और ये राइस आपने अपने फुल तेज आंच पे पकाना है, फ्लेम को बीच में लो नहीं करना।
उसके नीचे रख देंगे तवा। तवे को गर्म होने के लिए फ्लेम अभी तेज रखेंगे और इसको लगा देंगे दम पे 10 मिनट के दम पे, और बीच में 5 मिनट बाद फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। इसको लगा दिया हमने अब दम पे 10 मिनट के लिए, इसको दम दे देंगे। और आप लोग ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसकी मेकिंग भी बहुत इजी है, और सभी रेमेडीज़ इंग्रेडिएंट्स वगैरह हमने घर से ही लिए हैं, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी बन भी गए हैं, तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। और चिकन पुलाव राइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।